हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 46। तो इसमें हमें इस फॉर्मूले का भी यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लो, इसका भी हमें इसमें यूज़ करना है। तो अभी हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 मीटर वाइड, वॉट इज़ इट्स एरिया। यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, कैलेंडर है जिसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 26 सेंटीमीटर। अभी कैलेंडर देखो किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ओके, तो हमें इस कैलेंडर का एरिया फाइंड करना है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ पेज ऑफ ए कैलेंडर ओके। तो हमें इस कैलेंडर है, इस कैलेंडर का क्या निकालना है, एरिया। तो कैलेंडर किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। और एरिया पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ओके। तो यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अभी हमें देखो क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, कितना है 45 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो कितना है 26 सेंटीमीटर ओके। तो अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप वीडियो को स्टॉप करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब 45 मल्टीप्लाई 26 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके। ये क्या है, इसका यूनिट है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ अ कैलेंडर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द पेज ऑफ कैलेंडर इज 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके। तो क्वेश्चन सेकेंड देखो क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है, ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें इसमें क्या दिया है, गिवन बेस गिवन दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर है और हाइट 3.6 सेंटीमीटर है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो बेस हमें दिया हुआ है कितना है 4.8 सेंटीमीटर और हाइट हमें दिया है 3.6 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 2 1 2 2 2 4, ये पॉइंट यहाँ पर एज इट इज़ देंगे और 2 4 8। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, जो मिला है वहाँ पर हम लिखेंगे 2.4 मल्टीप्लाई 3.6। आप वीडियो को स्टॉप करके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन थ्री देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है जिसका लेंथ है 75.5 मीटर है और उसका ब्रेथ है 30.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका वैल्यू फाइंड करना है ओके। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्लॉट का हमें एरिया फाइंड करना होगा। और उसके बाद हमें जो यहाँ पे देखो 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दिया, मतलब एक स्क्वायर मीटर का वैल्यू जो है 1000 रुपीज़ है। तो ये पूरे प्लॉट का वैल्यू कितना होगा, तो उसको हमें फाइंड करना है। चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ कितना दिया है 75.5 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 30.5 मीटर।
तो पहले हमें गिवन क्या दिया वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर लेंथ कितना है 75.5 मीटर और ब्रीथ 30.5 मीटर। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस प्लॉट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इस प्लॉट का एरिया फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो अब ये प्लॉट क्या है, रेक्टेंगुलर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो देखो लेंथ कितना है 75.5 मीटर और ब्रेथ कितना है 30.5 मीटर। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप वीडियो को स्टॉप करके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2302.75 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना मिलेगा, 2302.75 स्क्वायर मीटर। ये जो प्लॉट है उसका हमें एरिया मिल गया। अभी हमें इसका इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू। वैल्यू ऑफ द प्लॉट कैसे फाइंड करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर। ओके, एरिया मल्टीप्लाई रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर। देखो एरिया हमने फाइंड किया कितना है 2302.75 और रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर क्वेश्चन में हमें दिया गिवन कितना है 1000 स्क्वायर मीटर। तो हम इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 2302.75 जो मिला है 23,02,750 ये है वैल्यू ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द प्लॉट द वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज 23,02,750 रुपीज। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन जो थर्ड है वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन फोर है, अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। यहाँ पे हमें अगेन एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है जिसका लेंथ है 12 मीटर और ब्रीथ है 6 मीटर। इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ अ स्क्वेयर टाइल्स ऑफ अ साइड 13 सेंटीमीटर। देखो तो ये जो हॉल है उस हॉल में हमें फ्लोरिंग करना है। फ्लोरिंग मीन्स है वहाँ पर हमें टाइल्स बिछाने हैं, टाइल्स लगाने हैं। तो जो टाइल्स है उस टाइल्स का साइड देखो यहाँ पर हमें दिया है कितना है 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल। अगर उस टाइल्स का साइड 13 सेंटीमीटर है तो ये जो हॉल है उस हॉल में कितने टाइल्स लगेंगे। ओके उस हॉल में कितने टाइल्स लगेंगे। और अगेन एक और क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर इफ टाइल्स ऑफ अ साइड 15 सेंटीमीटर वेयर यूज। जो टाइल्स है उसका साइड है 15 सेंटीमीटर, अगर 15 सेंटीमीटर साइड वाले टाइल्स को यूज़ करेंगे तो कितने टाइल्स लगेंगे इस रेक्टेंगुलर हॉल में। ओके तो देखो यहाँ पे हमें दो केस दिया हुआ है, एक केस में टाइल्स का साइड है 13 सेंटीमीटर और एक सेकेंड केस में है टाइल्स का साइड 15 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों केस का फाइंड करना है कि कितने टाइल्स लगेंगे इस रेक्टेंगुलर हॉल में। ओके तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर हॉल दिया है उसका जो लेंथ है कितना है 12 मीटर है और ब्रेथ है 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है वो हम लिख लेंगे, लेंथ है 12 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर। देखो हमें सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर हॉल है इस रेक्टेंगुलर हॉल का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो ये जो हॉल है वो हॉल
किस शेप में है? रेक्टेंगुलर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। देखो हमें लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर और ब्रीथ है 6 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे देखो ये जो हॉल है, इस हॉल का हमें क्या मिल गया? एरिया मिल गया, कितना है? 72 स्क्वायर मीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें दो केस दिया था। फर्स्ट केस में हमें क्या दिया है? जो टाइल है उस टाइल का साइड है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर साइड वाले टाइल, कितने टाइल्स इस हॉल में लगेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले केस वन, उसमें क्या लिखेंगे? साइड ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर शेप टाइल, देखो 13 सेंटीमीटर। टाइल्स क्या है? स्क्वायर शेप में है, ओके। और उसका साइड कितना है? 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो जो हमारा हॉल का एरिया है वो क्या है? मीटर में है। और यहाँ पे जो टाइल है उसका साइड क्या है? सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना होगा? इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे देखो 13 / 100 मीटर। इसको हमने कैसे किया? यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ओके। 13 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? 13/100 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 3/10 मीटर। टाइल का हमें मिल गया साइड, किसमें? मीटर के फॉर्म में मिल गया। जो टाइल है इस टाइल का हम फाइंड करेंगे एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द टाइल, एरिया ऑफ द टाइल। देखो टाइल किस शेप में? यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर शेप में, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। तो एरिया हमने यहाँ पे साइड निकाला क्या है? 3/10 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/10 स्क्वायर, ओके। 3/10 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 3/10 × 3/10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 10 10 10 ज़ा 100 स्क्वायर मीटर। तो ये हमें मिल गया देखो एरिया ऑफ द टाइल, टाइल का भी हमें एरिया मिल गया। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर। देखो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर कैसे हम निकालेंगे? एरिया ऑफ द हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ द टाइल। देखो जो एरिया ऑफ द हॉल है उसको हम एरिया ऑफ द टाइल से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर। तो एरिया ऑफ द हॉल कितना मिला हमें था? 72 स्क्वायर मीटर। और एरिया ऑफ द टाइल हमने निकाला है क्या है? 9/100 स्क्वायर मीटर। तो 9/100 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे देखो ये 72 क्या है? न्यूमिनेटर में, और 9/100 ये क्या है? डिनोमिनेटर में। तो देखो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में क्या है? 100। हम क्या करेंगे? इसको हम लेंगे न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में जब लेंगे तो ये डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 72 × 100 और यहाँ पे डिवाइड में बचेगा 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 9 1 ज़ा 9 9 8 ज़ा 72, यहाँ पे क्या बचा? 8 और 100। तो 8 × 100, तो 8 1 ज़ा 8 और ये 2 0 एज इट, तो कितना हो गया? 8 1 ज़ा 8 और ये 2 0 एज इट है, तो कितना हो गया? 800। तो हमें कितने टाइल्स रिक्वायर हैं? 800 टाइल्स रिक्वायर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 800 स्क्वायर शेप टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड will be required। तो देखो तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? अगर हम 13 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वेयर 13 सेंटीमीटर साइड वाले टाइल्स लें तो हमें टोटल 800 टाइल्स रिक्वायर होंगे, मतलब टोटल 800 टाइल्स हमें लगेंगे। वो हमने केस वन सॉल्व कर लिया। अभी केस टू में देखो जो टाइल्स का साइड है वो 15 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे केस टू में साइड ऑफ द स्क्वायर शेप टाइल
इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। केस टू में हमें क्या दिया हुआ है, जो टाइल है उसका साइड है 15 सेंटीमीटर। तो अगेन यहाँ पे देखो ये क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसे हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, 15 15 अपॉन 100 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 100 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 100 मीटर। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे 0 एज इट इज, तो क्या मिला, 3 अपॉन 20 मीटर। ये हमें मिल गया मीटर के, टाइल का साइड मिल गया मीटर के फॉर्म में। अभी हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द टाइल, तो देखो ये क्या है, स्क्वायर शेप में, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो देखो साइड कितना है, 3 अपॉन 20, तो 3 अपॉन 20 स्क्वायर। 3 अपॉन 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 20 2 2 ज़ा 4, और ये 2 0 यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो क्या मिल गया हमें, 9 अपॉन 400 स्क्वायर मीटर। ये देखो एरिया भी हमें अब मिल गया। तो हम क्या निकालेंगे अभी, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द हॉल अपॉन एरिया ऑफ द टाइल। तो देखो एरिया ऑफ द हॉल तो सेम ही रहेगा, कितना है, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ द टाइल तो हमने निकाला है कितना है, 9 अपॉन 400। तो 9 अपॉन 400 अभी क्या है, 72 न्यूमिरेटर में और 9 अपॉन 400 क्या है, डिनोमीटर। तो देखो डिनोमिनेटर का डिनोमीटर को हम न्यूमिरेटर में लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई 400, और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 9। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 मल्टीप्लाई 400। देखो 8 मल्टीप्लाई 400 बचा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 8 4 ज़ा 32, और ये 2 0 वहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3200। तो कितने टाइल्स हमें टोटल लगेंगे, अगर हम 15 सेंटीमीटर का साइड लेंगे तो हमें टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, 3200 टाइल्स लगेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर 3200 स्क्वेयर शेप साइड, स्क्वेयर शेप टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर साइड विल बी रिक्वायर। देखो यहाँ टाइल्स लेंगे उसका साइड 15 सेंटीमीटर है, तो हमें उस हॉल में टोटल 3200 टाइल्स लगेंगे। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गार्डन विथ मेजर एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, गार्डन दिया है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो गार्डन है उसका साइड का हमें लेंथ दिया है कितना है, 13 मीटर, और यहाँ पे हर जगह देखो यहाँ पे एक लाइन दिया है। इस लाइन का मीनिंग है कि जो साइड है, इस सभी साइड का जो लेंथ है वो क्या है, 13 मीटर है। देखो ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर होगा, तो ये भी 30 मीटर है, ये भी 13 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर, मतलब ये जो सिंगल लाइन दिया है इसका मीनिंग ये है कि ये जो साइड है, ये जो गार्डन के जितने भी ये साइड है, इस साइड का लेंथ है 13 मीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ दी ऑल साइड्स। तो ये जितने भी साइड हैं इस साइड का हमें क्या करना होगा, सम करना होगा। तो हमें क्वेश्चन में हमें क्या बोला, एरिया फाइंड करना है। तो देखो इस गार्डन का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एज अ अज्यूम लेट, अगर हम यहाँ पे एक देखो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, यहाँ पर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। ओके देखो एक ये हो गया स्क्वायर 1, ये स्क्वायर 2, ये स्क्वायर 3, ये स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर 5। तो हमें कितने स्क्वायर मिलते हैं, टोटल 5 स्क्वायर मिल रहे हैं। तो इन स्क्वायर का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो वही क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ द गार्डन। तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पहला क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर
ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। और आपको पता है पेरीमीटर का फॉर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो ये जितने भी साइड्स हैं इनका क्या करते हैं हम सम करते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड के लेंथ कितने हैं, 13 है। तो हम क्या करेंगे इन सभी साइड को हम काउंट करेंगे। तो देखो कितने साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस गार्डन के कितने टोटल साइड हैं, 12 साइड हैं। तो 12, 13 मल्टीप्लाई 12। देखो यहाँ पर एक तो आप 13 प्लस 13 प्लस 13 ऐसे 12 टाइम्स लिख सकते हो, नहीं तो आप 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो 13 12 156 मीटर। तो यहाँ पे जो ये गार्डन है इस गार्डन का पेरीमीटर कितना मिल गया हमें, 156 मीटर। देखो इसका एरिया हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, स्क्वायर मिलेगा। कितने स्क्वायर मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल कितने स्क्वायर मिलेंगे हमें, 5 स्क्वायर मिलेंगे। तो इन 5 स्क्वायर का हमें क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गार्डन इन द गिवन फिगर कैन बी डिवाइडेड इन टू 5 स्क्वायर, ईच ऑफ साइड इज 13 मीटर। तो ये जो गार्डन है ये टोटल 5 स्क्वायर में डिवाइड हो रहे हैं और हर एक स्क्वायर का जो साइड है वो है 30 मीटर। देयर फोर एरिया ऑफ ए गार्डन इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जो गार्डन है ये क्या है, इसका शेप क्या है, देखो स्क्वायर के शेप में। तो इसका फॉर्मूला जो होगा कौन सा होगा, हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ अ गार्डन इज इक्वल टू साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। गार्डन में कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई साइड कितना दिया हुआ है, 13 स्क्वायर। ओके तो अभी देखो 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई 13। तो 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमें मिलेगा 169। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 845 स्क्वायर मीटर। ये जो गार्डन है इस गार्डन का एरिया कितना होगा, 845 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे दे द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन इज 156 मीटर एंड एरिया या इज 845 स्क्वायर मीटर। तो देखो जो पेरीमीटर है उस गार्डन का वो कितना है, 156 मीटर, और जो एरिया है वो है 845 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 46 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।